एक बार फिर से आप सभी भाई बहन का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन ड्रीम्स कोचिंग क्लासेस पे। मैंने आपको अर्थशास्त्र का पार्ट वन का आंसर करा दिया था, आपके ऑब्जेक्टिव और दो तीन आंसर रह गए थे जो कि मैंने बोला था आपको अगले वीडियो में दूंगा। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ अर्थशास्त्र के ऑब्जेक्टिव और जो तीन चार क्वेश्चन बच गए थे। अगर आपने अभी तक मेरा पहला पार्ट इसका नहीं देखा उसे देख लीजिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, वीडियो शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले सही विकल्प, आर्थिक समस्या मूलतः किस तत्व की समस्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा सबसे पहले आपका चुनाव की समस्या, पहले ऑप्शन सही, ठीक है ना, पहले का पहला। ऐसी वस्तुएँ जिनका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाता है कहलाती हैं, तो हो जाएगा आपका स्थानापन्न, क्या हो जाएगा आपका स्थानापन्न वस्तुएं, ठीक है ना, इसी को हम क्या कहते हैं प्रतिस्थापन भी कह देते हैं। कॉफ़ी के मूल में वृद्धि होने पर चाय की मांग क्या होगी, बढ़ती है, तो क्या हो जाएगा आपका बढ़ती है। उपयोगिता के निर्णय से कौन सी विशेषताएं हैं, तो हो जाएगा आपका इसमें उपरोक्त सभी, ठीक है। पचमाता उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र में, ठीक है ना। आता है आपका खाली स्थान, अल्पकालीन उत्पादन फलन कहा जाता है, तो परिवर्तनशील अनुपात के नियम, क्या कहा जाता है, पहला हो जाएगा आपका परिवर्तन, परिवर्तनशील अनुपात के नियम, ठीक, पहला क्या हो जाएगा आपका परिवर्तनशील अनुपात के नियम। दूसरा है पैमाने के प्रतिफल का संबंध दीर्घकालीन अभ्यास से होता है, ठीक है ना, क्या हो जाएगा दीर्घ, दूसरे में क्या हो जाएगा दीर्घ हो जाएगा। तीसरा है सीमांत लागत केवल लागतों पर निर्भर करती है, तो कुल कुल लागतों पर कुल हो जाएगा। चौथा उत्पादन की प्रति इकाई लागत को कहते हैं, तो सीमांत लागत, क्या कहते हैं सीमांत लागत, सीमांत लागत कहते हैं, ठीक है ना। पचमा पूर्ण प्रथम विक्रेता वस्तु बेचते हैं समरूप, पचमा का जो समरूप हो जाएगा रूप, यानी पहले में भर देंगे आप परिवर्तनशील अनुपात के नियम, दूसरे में दीर्घकालीन, तीसरे में कुल लागत, चौथे में सीमांत लागत, पांचवें में समरूप वस्तुएं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं सत्य असत्य की ओर, तो पहला आपका सत्य है, दूसरा भी सत्य है, तीसरा भी आपका सत्य है, चौथा असत्य है, पचमा असत्य है, ठीक है ना, तीन सत्य हैं दो असत्य हैं। अब आते हैं एक वाक्य में उत्तर, आरबीआई का पूर्ण रूप लिखिए, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्या हो जाएगा आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा। एस बी आई के पूर्ण रूप, तो एस बी आई तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पहला रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तीसरा भारत का वित्तीय वर्ष क्या है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च। बजट के अवयवों को लिखिए, तो राजस्व प्राप्तियां पूंजीगत प्राप्तियां हो जाए, क्या हो जाएगा अवयव बजट के हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा राजस्व प्राप्तियां पूंजीगत प्राप्तियां, ठीक है ना, राजस्व प्राप्तियां पूंजीगत प्राप्तियां। पचमा भारत में बजट की अवधि क्या होती है, एक वर्ष होती है, कितनी होती है एक वर्ष, एक वर्ष। अब चलते हैं जोड़ी की ओर, तो प्रत्यक्ष कर आपको हो जाएगा आयकर, ठीक है, व्यापार संतुलन केवल दृश्य मध्य आ जाता है, भुगतान संतुलन दृश्य और अदृश्य दोनों आ जाएगा, लेनदारी और देनदारी दो बचे हैं, तो लेनदारी में आपके हो जाएगा वस्तुओं का आयात, लेनदारी में क्या हो जाएगा वस्तुओं का आयात, देनदारी वस्तुओं का निर्यात, ठीक है। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 21 का उत्तर, ठीक है, स्थिति दर के पक्ष में तर्क, पहला पॉइंट
दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा हो गया आपका। ले आपका अगला विनियम व्यवस्था हो गया ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 23। प्रश्न होगा, उत्तर देखिए आप। ये रहा आपका चित्र, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप करा 22 नंबर, अगर अभी तक इंस्टा सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सारे सब्जेक्ट में आपको आंसर प्रोवाइड कराने वाला हूँ, ठीक है। चौबीस नंबर हो गया आपका, बाजार मूल्य सामान्य मूल्य। अगला देखते हैं, 25 नंबर हो गया आपका। पच्चीस नंबर का ये चित्र हो गया आपका। छब्बीस नंबर हो गया, आगे देखते हैं। इस तरह से मैंने आपको संपूर्ण उत्तर बता दिए हैं, ठीक है। इसका पार्ट वन भी आप धीरे से मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, और चैनल सब्सक्राइब में सब्सक्राइब कर लीजिएगा।